हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रयास शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप स्ले पॉइंट जैसा यूट्यूब चैनल का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर थंबनेल शो हो रहा है, आज इसी तरह का हम अपनी इस वीडियो में थंबनेल बनाने वाले हैं। सो गाइस, लेट इस स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल को ओपन करना है और एंड्रॉयड मोबाइल में जिस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत होगी उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आप पिक्सल लैब से भी बना सकते हैं कोई भी यूट्यूब थंबनेल, लेकिन हम बनाएंगे कैनवा से। कैनवा से बड़े से बड़े यूट्यूबर थंबनेल बनाते हैं। गाइस, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है कैनवा। कैनवा सर्च करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस है और यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। आपके एंड्रॉयड मोबाइल में बिल्कुल कैनवा इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आ डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे यहाँ से यूट्यूब थंबनेल। तो हमें यूट्यूब थंबनेल साइज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन को, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अलग अलग फ्री टेम्पलेट्स आपको शो हो जाएगी अभी। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये नीचे क्या है, ये अलग अलग टेम्पलेट्स। गाइस, ये फ्री टेम्पलेट्स है। आप अपने किसी भी जो भी आप थंबनेल बनाना चाहें उसमें ये टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं। फ्री है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे स्ले पॉइंट जैसा ये लेटेस्ट वीडियो वायरल विनोद के ऊपर थी जो, और मैं उसका थंबनेल बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक ऑप्शन लेना है। ब्लैंक ऑप्शन के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ ये प्लस का ऑप्शन है। गाइस, आपको सबसे पहले यहाँ पे पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज पर जाना है और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर चेंज कर देना है इसका। यहाँ पे हम लेंगे कलर येलो और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक होने के बाद यहाँ पे हमने बैकग्राउंड यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अगर आपको येलो बैकग्राउंड ऐसा चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको कुछ नहीं करना, आप ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर की तरफ जाते हुए यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से शेप ले लेनी है रेक्टेंगल की। एक रेक्टेंगल की शेप मैंने यहाँ से ले ली और इसको एडजस्ट कर देना है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको राइट साइड में थ्री डॉट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी है जो वो थोड़ी बहुत कम कर देनी है। और यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर ब्लैक चूज़ कर लेना है आपको, ब्लैक, और टिक कर देना है और यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और कम कर देनी है। और यहाँ से मैं इसको एक और बार कॉपी कर लूँगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने बाद मैं फिर से यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से जो मेरी इमेज है PNG बनाई हुई है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। आप कोई भी इमेज गैलरी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और मैंने ये PNG यहाँ पे ले ली है। आपको अगर ये PNG डाउनलोड करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है अच्छी तरह। और यहाँ पे इसको हमने एडजस्ट कर दिया है। और एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज फिर से आपको ले लेनी है। और गाइस, इसी में इसको अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ से मैं यहाँ पे थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से इसको लेयर डाउन कर दूँगा और यहाँ से थोड़ा बड़ा, थोड़ा जूम, इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा। एडजस्ट कर दूंगा मैं, फिर से यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ से जो टेक्स्ट लेना है मेरे को, मैं यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिख सकते हैं आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। आपने देखे नीचे की तरफ अलग अलग टेक्स्ट है, आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लूंगा, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट राइट कर लूँगा कि जो ये टेक्स्ट साइज है, और मैं इस पर टेक्स्ट साइज बढ़ा लूँगा इसका, और यहाँ से राइट क्लिक कर लूँगा और मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लूँगा, थोड़ा स्पेसी और डार्क कर लूँगा, और यहाँ से मैं इसको अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लूँगा और इसको ऊपर की तरफ, और मैं यहाँ से एक और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से एक और टेक्स्ट ले लूँगा, एक और टेक्स्ट मैं यहाँ से अपना ले लूँगा और आप भी ले लेना। यहाँ से एक और टेक्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको अब यहाँ पे राइट करूँगा टेक्स्ट, और यहाँ से इसको मैं यहाँ से ये कर लूँगा, और यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँगा। और गाइस आपको यहाँ पे फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक एरो का क्लिक यहाँ पे ले लेना है आपको, एरो आप मैं यहाँ से गैलरी से ले लूँगा अपना एक, और मैं इसको स्मॉल कर लूँगा फुल, और यहाँ पे आपको प्लस के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे इधर की तरफ जाना है इलस्ट्रेशन में, और यहाँ पे आपको लिख लेना है और यहाँ से आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, शेडो मैन, ब्लैक शेडो, और मैं इसको यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आपको राइट साइड में थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है और इसको अंदर ले आए, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से आइकन ले लेने हैं क्वेश्चन मार्क के, आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आइकन आ जाएगा। और गाइस आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ले लेना है अलग कलर का, और यहाँ पे आपको यहाँ पे पेंसिल वाले क्लिक पर आप इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके यहाँ पे ब्लैक करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक कर लूँगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी डार्क करके रहूँगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल कर लूँगा।
और इसके ट्रांसपेरेंसी और गाइज यहाँ पे हमारा ये स्लेप पॉइंट चैनल का थंबनेल बन चुका है। और आप भी इसी तरह से कोई भी थंबनेल बना सकते हैं कैनवा से, बहुत इजी है। बड़े से बड़े यूट्यूबर यहाँ से अपना थंबनेल बनाते हैं और मैं भी अपनी यूट्यूब वीडियोस का थंबनेल यहाँ से ही बनाता हूँ। सो गाइज आपको यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऊपर का ऑप्शन है डाउनलोड, तो गाइज आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी इमेज और आप इसको कहीं पर भी अपनी किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी थंबनेल बना सकते हैं। सो गाइज वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।